तो हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ कि एकदम बढ़िया ही होंगे। तो आज के वीडियो में हम बनाने वाले आरी का हैंडल। तो ये आरी है हमारे पास, कुछ इस प्रकार हम काटते हैं ना इससे, तो हाथों में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है यहाँ पर, और ये गड़ती भी है, तो इसका हम हैंडल बनाएंगे। तो आज के वीडियो में सीखेंगे कि आरी के हैंडल किस प्रकार बनाते हैं। तो इसके लिए एक लकड़ी का गुल्ला लेना पड़ेगा हमको, तो उससे ये हैंडल बनाएंगे। तो गाइस, आप देख सकते हो ये कुछ इस प्रकार हमने एक लकड़ी का गुल्ला लिया है। इससे मतलब यही आरी की मदद से जो बीचम बीच है ना इसकी, यहाँ से हमने कट लगा दिया है। करीबन 3 इंच के करीब कट लगा दिया है यहाँ से, अलग ऐसे सीधे वार में देखे तो आप देख सकते हो यहाँ से कुछ इस तरह से कट करने के बाद में, मैंने इसको पहले से ही कट कर रखा है, और कट करने के बाद कुछ इस तरह से इसको यहाँ पर फिक्स हो जाएगी आरी। इसको फिक्स होने के बाद में यहाँ पर एक ये साइज दिख रहा है आपको, इस होल की मदद से यहाँ साइज में एक होल कर लेना लकड़ी पे, तो ये आरी और ये इसमें आ सके फिक्स है, और इसको एक स्क्रू की मदद से कस देना। तो हमारे पास है ये स्क्रू, इसकी मदद से हम इसको कस देते हैं। तो गाइस देख सकते हो आप, ये कुछ इस तरह से कस चुका है, आगे पीछे नहीं होगा इससे, और ये ऐसी रॉन्ग साइड जा रही है, तो इसके लिए हम ना एक चूड़ी है, चूड़ी की मदद से यहाँ पर इसको चूड़ी लगा देंगे, तो इससे यूं डगमगाएगी नहीं, फिक्स रहेगी, काटने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप देख सकते हो ये चूड़ी है हमारे पास, तो मार्केट में 1-2 रुपए की मिल जाती है बहुत ईजी तरीके से। तो यहाँ पर मैं इसको, एक चूड़ी को हमने पहले से ही नाप कर लिया है हमने, तो उस हिसाब से मैं लगा देता हूँ इसको। तो आप देख सकते हो ये हमारा आरी हैंडल बनके कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं काट के दिखाता हूँ आपको, तो कितने अच्छी तरीके से काटती है, हाथों में दर्द भी नहीं होता है जरा सा भी। तो आप देख सकते हो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से काट रही है। तो आप देख सकते हो मैंने ये नली को काट के दिखाया है, हाथों में दर्द भी नहीं होता है, कितना भी काटो आप भली इससे जरा सा भी हाथों में दर्द नहीं होगा, और बहुत ही बढ़िया तरीके से चलती है। तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो, तो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आज के लिए बस इतना ही।